आप लोगों से इसीलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते रहा करिएगा। इतने इतने अच्छे आप समझ सकते हैं कि जोक हमारे नेता आपको सुनाते हैं इनको सुनते रहना चाहिए। आज की इन परिस्थितियों को देखते हुए फिर चाहे आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था की परिस्थिति हो या फिर आप समझिए कि हमारे जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं उनकी बातों की स्थिति हो या जो हमारे यहाँ चारों तरफ आप देख रहे होंगे हाहाकार एक तरह से मचा हुआ है, लाशों की एक तरह से आप समझ रहे हैं कि चिता किस तरह से शमशान घाटों पर जलाई जा रही हैं, एक तरह से आप कह रहे हैं कि अंबार लगा हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये कहना गलत भी नहीं है। तो इन सभी बातों को मतलब देखकर एक शायर की कुछ लाइनें याद आ जाती हैं कि वो आया था अंधेरे हमारे घर के अंधेरे खत्म करने के लिए, और मुझे क्या पता था कि मेरे ही घर को जलाकर वो मुझे रोशनी देगा। आप समझिए किस उम्मीद से हम लोग नेताओं को चुनते हैं और हमारी उम्मीदों पर किस तरह से वो उतरते हैं, ये जग जाहिर है। और मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि आज के नेताओं की अगर आप लोग तुलना आजादी के समय के नेताओं से कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि जमीन की तुलना आसमान से हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं। आज के नेता क्या हैं, उस समय के नेता क्या हैं, अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आप बेहतर जानते हैं। और अभी आप लोग अगर सोशल मीडिया का जमाना है मुझे कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है, आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन के कारण कई लोगों की डेथ होती है डेली। अभी भी हर राज्य में लगभग आपको देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, फिर भी हमारे नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं या मौतों पर एक तरह से वोट बैंक की बात करते हैं। मैं हमेशा हर बार बोलता हूँ जिस परिवार का एक मेंबर जाता है, जिस परिवार के मेंबर की डेथ होती है, उसकी जगह कभी अपने आप को इन नेताओं को रख के देखना चाहिए कितना दर्द होता है। शायद हम लोग नहीं समझ सकते हैं, वो कहा करते हैं ना कि वो जिसका दर्द वही जाने, दुनिया के लिए वो तमाशा लगता है। खैर छोड़िए, आपके जो स्वास्थ्य मंत्री साहब हैं मुझे तो नहीं कहना है कुछ भी इनके बारे में, लेकिन उन्होंने कहा है कि लोगों को ऑक्सीजन के बारे में सही जानकारी की जरूरत है, यानी कि जो आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं या हकीकत में देख रहे हैं वो गलत है। आप में से भी देखा होगा कई लोगों ने, अगर हॉस्पिटल गए होंगे तो ऑक्सीजन की आपूर्ति किस तरह से है या नहीं है आप सभी लोग बेहतर जानते होंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति क्या है आप लोग बेहतर जानते होंगे। तो ये सभी गलत है, आप लोग झूठे हैं उनका कहने का मतलब, और देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ये हमारे डॉक्टर साहब जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री साहब हैं इन्होंने कहा है, और इस पद पर बैठने के बाद इस तरह की बयानबाजी करना बहुत मतलब ठीक है, उन नेताओं के हिसाब से ठीक आप कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं अगर आप नेताओं की बात करें, लेकिन हम आप जैसे आम आदमी लोगों की बात करें तो हमारी तो आप समझिए कि आत्मा भी गवाह नहीं देती कि झूठ बोलिए आप लोग या लोगों की जिंदगी से खेलिए आप लोग। तो इन्होंने कहा है कि देश में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहले भी थी और अब तो इसे और बढ़ाया गया है। लोगों को ऑक्सीजन के बारे में सही ज्ञान आवश्यक है। एक वो आपने सुना होगा कि जब आदमी प्यासे से मर चुका हो जब कुआं खोदने की क्या जरूरत है, लेकिन मैं कहता हूं कि चलिए कुआं खोद लीजिए, आगे आने वाले समय में आएगा, लेकिन इसी कुएं को हम लोग अगर बहुत पहले खोद चुके होते तो शायद इन जितने लोगों की ऑक्सीजन की वजह से डेथ हुई है इन्हें हम लोग बचा सकते थे। और मैं इस समय कभी मैंने नहीं बोला कि आप लोग वोट ना दीजिए, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि लोकतंत्र पर भरोसा भी करता हूँ, तो मैंने तो हमेशा कहा है कि वोट देने जरूर जाना चाहिए, लेकिन मुझसे पूछा जाए कि इस समय किसे वोट दोगे तो मैं नोटा पर देके आऊंगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, जो समझने वाले होंगे वो समझ चुके होंगे, नहीं समझने वाले होंगे वो देते रहिए, भुगतते रहिए, मरते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। और 135-40 करोड़ के करीब होने जा रही जनसंख्या, 2-4-10 करोड़ मर जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, आपकी भी तो सोच यही होगी जो नेता रखते हैं। खैर छोड़िए, आपके स्वास्थ्य मंत्री के बारे में पढ़ते रहा करिएगा,
मुझे लगा कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि आपको जोक से, मतलब आपके जो स्वास्थ्य मंत्री साहब हैं इनके बारे में बात करनी चाहिए। ठीक है, इन्हें देख लीजिए।